माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो देखें वो निकल आया है। ले जी मैं आपको अब ये तरीका बताता हूँ कि जो पहले दिन का चूज़ा होता है जो निकलता है अंडे से, कैसे ट्रीटमेंट दें या उसको सबसे पहली क्या चीज़ देनी चाहिए। छोटा सा अंडा पड़ा हुआ है, वो पैरट का अंडा, ऑस्ट्रेलियन तोते का अंडा वो पड़ा हुआ है। तोतों के अंडे रखवाना चाहते हैं, मोर के अंडे रखवाना चाहते हैं या मुर्गी के किसी भी नस्ल के अंडे रखवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर लें, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ले जी ये हमारा आज इनक्यूबेटर आ गया है माशाल्लाह। तो ये इसका हीट वाला कंट्रोल करने वाली वो किट लगी हुई है, ये अंदर से ये इसकी जाली है और ये इसके नीचे पानी डाल के रखा हुआ है। ये पानी है इसके नीचे, ये आपको हिला कर दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये पानी का भरा हुआ है। ये आपने भर के रखना है, इसको ना ध्यान रखना है एक दिन या दो दिन तक इसको देखते रहना, क्योंकि पानी ये नमी के साथ जो है ना पानी इसका उड़ जाता है। ये जाली रखी हुई है, अब इसके अंदर ये अंडे हैं माशाल्लाह। ये तीन अंडे जावा के हैं मेरे पास और एक अंडा ये हीरा ब्रीड का। अब इसके अंदर ये तीन अंडे रखते हैं इंशाल्लाह, तो देखते हैं। अब इसका पहले स्विच लगाते हैं, इसको पहले हीट इसकी मेंटेन करते हैं। ओह चल गया, इसको भी ना बंद कर देते हैं। ये हीट इधर आ रही है, अभी इसकी 29.5 पे है, अभी ये ना 37 पे जाकर ये ट्रिप हो जाएगा। अभी आस्ता आस्ता बढ़ रही है, 29 वो 30 पे चली गई, अब 37.7 पे इसकी जो है वो हीट चली गई है। अभी ये ना ट्रिप हो गया, अंदर से बल्ब देखें बंद हो गया, खुद ही ऑटो पे है ये। तो अभी हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर जो है ना ये अंडे जो है ये रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें अंडों को आपने दिन में दो बार रोटेट करना है, ये लिखा हुआ है। ये इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे और जब इसका ये अपना 6 घंटे पूरे हो जाएंगे फिर उसको दोबारा रोटेट कर देंगे अंडों को, ये इस तरह ये। तो अभी हम इसको कर देते हैं जी बंद। ये हीट देखें नीचे आना शुरू हो गई क्योंकि वो उसको खोला हुआ था, ये चल पड़ा खुद ही, वो अंदर अंडे नज़र आ रहे हैं। ये 36.8 पे आ गया है, अब ये जब फिर 37.7 पे जाएगा तो फिर ये ट्रिप हो जाएगा, ऐसे ये खुद ही चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये ऑटो रोटेट कह रहा हूँ, ऑटो हीट इसकी है, जैसे ही हीट कम होती है तो ये खुद ही ट्रिप कर जाता है। हीट इसकी कम होगी तो ज़्यादा होती है ट्रिप कर जाएगा, कम होगी तो फिर खुद ही चल पड़ेगा। ये अंदर अंडे हमने जो है वो माशाल्लाह रख दिए हैं इसके अंदर, अभी 21 दिन तक इंशाल्लाह इसमें बच्चे निकलेंगे। ये फिर देखे 37.5 पे गया तो ये फिर ट्रिप कर गया। ले जी मैं आपको अब ये तरीका बताता हूँ कि जो पहले दिन का चूज़ा होता है जो निकलता है अंडे से, उसको क्या करना चाहिए उसके साथ और उसको कैसे ट्रीटमेंट दें या उसको सबसे पहली क्या चीज़ देनी चाहिए। तो ये निमकोल है, ये बाज़ार से मिल जाता है, तकरीबन 10 या 15 रुपए का ये साशे है। ये एक साशे ले आया निमकोल का, तो इसको जो है ना वो आम पानी के अंदर मिक्स कर लें 2 से 2.5 चम्मच। तो चूज़े को जो है ना वो तकरीबन ये इस तरह, ये बस बहुत है इतना, अंदाजे के साथ 1 चम्मच ये हल कर लें इसको इसके साथ। तो जो पहले दिन का चूज़ा होता है उसको अंडे से निकलने के 4 या 5 घंटे बाद जो है ना वो उसको ये निमकोल वाला पानी पिलाते हैं। आपने हरगिज़ गुड़ वाला पानी कभी नहीं पिलाना उसको, क्योंकि उसका जो अंदर वाला सिस्टम है ना वो जाम हो जाता है मीठे की वजह से। तो ये निमकोल है, इससे जो इसका ना पेट वगैरह जो होता है, आंतरियाँ होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं बिल्कुल। ये निमकोल इसके अंदर अभी हल हो चुका है। तो अभी हमारे जो मशीन में चूज़े रखे थे इंक्यूबेटर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 चूज़े निकले हुए हैं रात के, एक अभी सुबह निकला है, 4 हो गए टोटल। तो बाकी आपको दिखाता हूँ मैं, तो चलते हैं जी उस तरफ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मशीन है, वो अंदर नज़र आ रहा होगा आपको, ये सुराख से कैसे भाई वो देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2, 3, 5 हो गए हैं जी माशाल्लाह, 5 चूज़े निकल आए हैं। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले 4 निकले हुए थे, एक और निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखें ज़रा, ये उसने चोंच मारी हुई है, वो चोंच उसकी बाहर नज़र आ रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन जो है वो कामयाब हो चुकी है, ये 5 चूज़े निकले हैं। इनको अभी बाहर निकालते हैं और इनको जो है ना वो पानी पिलाते हैं। सबसे पहले इनको निमकोल वाला पानी पिलाएंगे, इनके आगे रखेंगे पानी, वो माशाल्लाह पानी पी लेंगे। वो 3-4 अंडों को और जो है वो अपना तड़ेर आई है, क्या कहते हैं उसको,
तो सुराख किया होगा चूजे ने अंदर से, इसको अब बाहर निकालते हैं और पानी पिलाते हैं इनको। बिस्मिल्लाह, ये इस तरह इसके मुंह के साथ ऐसे पानी लगाएं, ये पी लेगा पानी इस तरह। ये जी अभी जो है वो सारे छिलके बाहर निकाल देते हैं। ये एक छिलका, ये तीन, चार, ये पांच छिलके, भी पांच चूजे निकले हैं, पांच छिलके बाहर निकाल दिए हैं। इनको रखते हैं दोबारा मशीन के अंदर, अभी इनको हीट की ज़रूरत है, अभी ये सूखे नहीं सही से ना, गीले हैं। पानी इनको पिला दिया, अभी घंटे तक दोबारा फिर इनको पानी जो है पिला देंगे। और इनके लिए ना ज़ीरो नंबर फीड में लेकर आता हूँ, वो ना बहुत बारीक होती है, बाजरे से ज़्यादा बारीक होती है, वो इनको ला कर ना देता हूँ मैं। ज़ीरो नंबर फीड इनको जो है ना वो खिलाते हैं, वो खुद ही खा लेंगे, बल्कि काफ़ी बारीक होती है। बाजरा जो है ना ये मोटा थोड़ा सा। ये देखें जी माशाल्लाह छः चूजे निकल आए हैं, दो इधर हैं, दो दो चार दो छः, और एक ये अभी निकल रहा है बाहर अंडे से ना, अभी आधा जो है ना वो, अच्छा आधा अंडे के अंदर है और आधा बाहर आ चुका है माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, अभी वो इसको हीट की ज़रूरत है, अभी इसको हीट लगेगी थोड़ी सी, तो फिर ये जो है ना वो इंशाल्लाह ये भी निकल आएगा। देखें जी माशाल्लाह मैंने इनको जो है वो दाना डाल दिया है, बीवी ये दाना उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखें वो चोंच मार रहे हैं दाने को, और ये साथ निमकोल वाला पानी भी डाल दिया है, दाना खाने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। बस एक या दो भी दाने इनके पेट में चले जाएं तो बहुत है, वो घंटा दो निकाल जाएंगे, फिर थोड़ा सा और खा लेंगे। ये बाज़ार से अभी मैं जो है ना वो फीड, ज़ीरो नंबर फीड, और इसमें ना वो मक्की के दाने बारीक किए हुए हैं वो डाले हैं, तो वो लेके आए, वो काफ़ी बारीक हैं, वो ना इनको उठाने में भी आसानी होगी और हज़म भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बारीक है। तो फिर इनकी जो है वो इंशाल्लाह एक दो दिन, पहला दिन ही ज़रा मुश्किल होता है, आस्ते आस्ते चुगना दाना उठाना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे माशाल्लाह जी। ये देखें जी फाइनली अब एक चूज़ा ये निकलने वाला, ये निकल रहा है अभी, ये देखें वो एक जो अंडा ना वो पैरट का रखा हुआ है, बजी पैरट के जो होते हैं ना ऑस्ट्रेलियन तोता, उसका एक अंडा पड़ा हुआ है। ये देखें जी ये वाला अंडा भी सारा जो है वो छील चुका हुआ है, ये वो बाहर निकल रहा है बच्चा, और इसमें से भी जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है वो, माशाल्लाह जी आ गया बाहर, ये आ गया बाहर। ये देखें जी ये अभी ज़रा इसको थोड़ा सारा टाइम लग जाएगा सूखने में। ये सारे चूज़े माशाल्लाह जी बहुत हेल्दी चूज़े हैं सारे, और एक ये रह गया बस, लास्ट वन जो है वो रह गया, वो भी अभी मेरा ख्याल थोड़ी देर तक जो है ना निकल आएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको बाहर निकालने की। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है वो बच्चे निकल आए हैं, ये सारे अंडे पड़े हुए हैं। इसमें से जो मैंने बाद में अंडे रखे थे ना, ये चार, ये एक वाइट हीरा मुर्गी का अंडा था ये ख़राब हो गया है, और ये जावा के अंडे थे, ये मेरे कज़न हैं एक अरफान भाई, उन्होंने दिए थे जावा के प्योर अंडे थे ये वाले, और ये भी तीनों जो है वो ख़राब हो चुके हैं, इनमें से भी बच्चा नहीं निकला। और ये जो एक था ये भी, इनको ना टाइम ज़्यादा हो गया था पड़ा हुआ, अंडे पड़े इनको टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए ये ख़राब हो गए, नहीं तो इनमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकल आने थे। ये सारे जो है बच्चे निकल आए हैं, अब देखते हैं जी बच्चों की प्रोग्रेस, वो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे हैप्पी हैं। इनको दाना मैंने डाला हुआ है अंदर, वो खा रहे हैं दाना, ये देखें जी अल्लाह का बड़ा करम है कि मशीन का जो रिज़ल्ट है ना 80% और 90% इसका रिज़ल्ट जो है ना इसने हमें दिया, बहुत ही जो है वो खूबसूरत, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे बच्चे निकल आए और काफ़ी हेल्दी हैं माशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं वो अंदर एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ है, वो पैरट का अंडा,
ऑस्ट्रेलियन तोते का अंडा वो पड़ा हुआ है, तोतों के अंडे रखवाना चाहते हैं, मोर के अंडे रखवाना चाहते हैं, या मुर्गी के किसी भी नस्ल के अंडे रखवाना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कर लें। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, तो इंशाल्लाह उसके भी वो बच्चे निकलेंगे और उनको जो है वो उनकी अमानत बा हिफाजत और बा सलामत उनको पहुँचा दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।